उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीबीआई पूछताछ मामले में कहा कि उनको जेल जाने का डर नहीं। उन्होंने कहा कि वो देखना चाहते हैं कि आखिर उस स्टिंग में ऐसा क्या है कि उन पर एफआईआर दर्ज हो। हरीश रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि चोरी उनके घर हुई और मुकदमा भी उनके ऊपर ही हुआ, तो इसको देखते हुए नियम बना देना चाहिए कि जब जिसके घर चोरी होगी मुकदमा भी उसी पर होगा। आपको बता दें कि 2017 में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा विधायकों की खरीद फरोख्त मामले का स्टिंग सामने आया था। इसके बाद उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार गिर गई थी। मामले में राज्यपाल की संस्तुति पर सीबीआई ने जांच शुरू की थी। इसी मामले की सुनवाई के लिए 20 सितम्बर को हरीश रावत नैनीताल हाईकोर्ट में मौजूद रहेंगे। संसदीय मूल्यों की रक्षा के लिए जेल जाने के लिए हमेशा तैयार है, मगर मैं एक बात सारे उत्तराखंड के और सब लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अगर देखें तो सही उस थिंग में क्या अपराध कर रहा हूँ। अरे मेरे घर में चोरी हुई, मेरे घर में डकैती हुई, मुझे को मुकदमा लगा रहे हो, मुझे को बंद कर रहे हो। आप तो एक बार सिद्धांत घोषित कर देना चाहिए भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर के कि भविष्य में किसी के घर में चोरी होगी डकैती होगी तो उसी पर मुकदमा होगा।